गाइस कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो को देखा है कि बैन कर रहे हैं पबजी को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पबजी को बैन कर रहे हैं। ऐसी वीडियो, ऐसी टॉपिक्स पे जो काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है कि पबजी को पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। दरअसल ये बात हकीकत है। ये सबसे पहले एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफ़ी ज़्यादा सख्ती से देखा और इसको अभी अप्रूव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको पीटीए के जो सरबराह हैं पीटीआई के, उसको इमरान ख़ान जो कि अभी पीएम है, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के अंदर, इनके पास उस लेटर को, उस दरख्वास्त को भेज दिया है कि पाकिस्तान के अंदर पबजी को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इस वजह से बंद कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में वजह भी बता देता हूँ। वजह ये है कि जो नई जनरेशन है वो वीडियो गेम्स को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट है उनके अंदर, के वीडियो गेम्स ही ज़्यादा खेल रहे हैं। तो अभी जो हमारा पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों मुल्कों में पबजी सबसे ज़्यादा खेलने वाला, ये दोनों मुल्क हैं जहाँ पर पबजी बहुत ज़्यादा खेली जाने वाली है वीडियो गेम्स। तो जहाँ तक अब बात की जाए पबजी के अलावा गेम्स की, और भी तो बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, जैसा कि GTA 5 है वीडियो गेम, GTA के आए हुए हैं अपने स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड में, जैसा कि GTA Vice City, GTA San Andreas, उसके अलावा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फोर्टनाइट है। अकेली पबजी ही ज़्यादा इतनी वायरल है। तो देखिए, अब GTA 5 को खेलने के लिए आपको अच्छे ग्राफिक्स के कंप्यूटर लेना पड़ेगा, तो इसलिए आवाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पबजी है इसकी तरफ ज़्यादा है। तो अभी इमरान ख़ान की तरफ से 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी किसी किस्म का कोई अप्रूव लेटर नहीं आया कि पबजी को बंद कर दिया जाए, पबजी को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर पबजी नहीं चल सकती। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पबजी को बंद करने के चांसेस तकरीबन 20% मुझे तो ये लगता है, हो सकता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि 20% है पाकिस्तान के अंदर पबजी को बंद करने की रीजंस। और पाकिस्तान के अंदर मुझे लग रहा है कि तकरीबन 80% जो 80 से 82% जो है अवाम को पबजी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे 80 से 82% तक पबजी को बंद नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, मुझे ये लगता है। अभी 2 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आया कि पबजी को पाकिस्तान के अंदर बंद कर रहे हैं, लेकिन दरख्वास्त वाकई में ही गई है, लेकिन अभी तक कोई अप्रूव नहीं आया। तो क्या होगा अगर पबजी को बंद किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर जब पबजी को बंद कर दिया जाएगा, तो इससे जो हमारी नई जनरेशन है जिनमें हम शामिल हैं, तो उस जनरेशन के लिए पबजी को खोने का काफ़ी ज़्यादा डर लगा हुआ है। तो अभी अगर पबजी को बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, तो काफ़ी ही ज़्यादा जुगाड़ भी आ जाएंगे कि पबजी को पाकिस्तान के अंदर कैसे चलाया जाए। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो पबजी को बैन पाकिस्तान के अंदर, जब पबजी को कर देंगे तो क्या होगा, पबजी को जब पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा तो उसके अलावा ज़्यादातर लॉकडाउन के दिनों में ये इंटरटेनमेंट का वह ज़रिया होता है कि पबजी को पाकिस्तान के अंदर, अभी जो पबजी का ट्रेंड चल रहा है कि पबजी हुई पड़ी है हर जगह पर, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर गेम है कि ये हर डिवाइस के अंदर कंफर्टेबल उन्होंने कर दिया है इस गेम को। अभी ये 2 GB वाला भी इसको खेल रहा है, इसको 1.5 GB वाला रैम वाला भी इसको प्ले करने की कोशिश में लगा है कि मेरे मोबाइल में भी पबजी चल जाए, मेरे मोबाइल में भी पबजी चल जाए। इसके रिलेटेड हज़ारों से लाखों वीडियो YouTube पर आ चुकी हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। पबजी मोबाइल, पबजी PC तो नहीं, लेकिन पबजी मोबाइल काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में है वो वायरल हो चुका है। अभी अगर लॉकडाउन के दिनों में जो हमारा लॉकडाउन है, इनके दिनों में ये इंटरटेनमेंट का वह ज़रिया था, क्योंकि इसके अलावा और वीडियो गेम्स जो भी हैं, जितनी भी और वीडियोस गेम हैं, उन सब के अलावा जो पबजी है, ये एक तो ग्राफिक्स अच्छे देता है, उसी के साथ साथ इसमें आप एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे प्ले कर सकते हैं,
ख्वाब वो किधर हो, तो इसीलिए ये तो सब आप जानते होंगे, तो इसीलिए वाम इसको ज़्यादा पसंद करता है। अगर ये बंद हो गया तो इंटरटेनमेंट का कोई वाहद ज़रिया नहीं बचेगा पाकिस्तान के अंदर। तो आई थिंक, अगर आपको क्या लगता है, आज की वीडियो में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि पबजी को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया जाए या पबजी को पाकिस्तान के अंदर चलने दिया जाए, रन करने दिया जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ये मुझको ये ज़रूर बताना कि यार पबजी को बंद करना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए। तो अगर रीज़न देखे जाए तो रीज़न 101 भी आ सकता है कि पबजी को बंद करने के, और ना बंद करने के रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आते हैं, क्योंकि पबजी जो है वो न्यू जनरेशन को ख़राब कर रही है। लेकिन 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 न्यू जनरेशन में हम भी शामिल हैं, लेकिन हम भी पबजी को प्ले करते हैं, मैं भी खेलता हूँ पबजी को। ये एक वहाँ ज़रिया होता है एंटरटेनमेंट का। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस पबजी की रिलेटेड। अगर ये बंद हुई तो बहुत ही ज़्यादा पबजी लवर्स के लिए को प्ले करें, 80 से नीचे वाले पबजी को प्ले ना करें। अगर करना है तो कुछ ऐसा भाई कर दो, लेकिन पबजी को बंद ना किया जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार ज़रूर से लाइक करना। तो आपके ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों जो पबजी प्ले करते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाना कि पबजी को बंद किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अभी कितने फ़ीसद ये बंद हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या चांसेस हैं इसके, तो ये वीडियो लाजमी अपने दोस्तों तक शेयर करना। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नीचे रेड कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसके ऊपर ज़रूर टाइप करके उसे सब्सक्राइब करना। और साथ में बेल आइकन का भी ऑप्शन एक जारी हो जाएगा, उसको भी ऑल पे कर देना। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी पबजी की नई अपडेट में। तो कोशिश करूँगा, दुआ करूँगा कि पबजी की नई अपडेट यही हो कि पबजी को बैन नहीं किया जा रहा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर वीडियो में, किसी पबजी की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।